हाँ जी, तो आज हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होएगा, और इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर, पूरी बुक का सबसे टफेस्ट चैप्टर है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सबसे लेंदी और टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, और ये पूरा चैप्टर तुम्हें एक पेज में मिल चुका है फिलहाल, ठीक है। और फिलहाल तो पेज देखने नहीं है, ये तो सब बंद रखो, फिलहाल तो जो हम आगे करने जा रहे हैं तुम्हें वो देखना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, और मैंने एक और चीज़ पहले बोली हुई है कि जिन्होंने लास्ट चैप्टर यानी फाइनेंशियल मार्केट किया हुआ है उनके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, जिन्होंने, यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए कई ऐसे टॉपिक आएंगे जो वो नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आज की क्लास तो सिंपल है, आज की तुम सब समझ जाओगे। हाँ जी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहली बात तो ये कि तुम्हें पता ही है कि जब भी हम किसी चैप्टर को बताते हैं कि टफ है, तो इसका मतलब उसे किसी न किसी से लिंक किया जाता है जिससे कि उस चैप्टर को ईजी कर दिया जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तुम लोगों ने कुछ ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना हुआ है, मैंने खुद ही सुनाया था वैसे तो रिसेंटली, अगर तुम्हें याद हो तो पिछले चैप्टर में ही, लेकिन तब भी अगर तुमने नहीं भी सुना तो 11th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंट के नाम पे एक चैप्टर हुआ करता था, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंट जो चैप्टर हुआ करता था, उस चैप्टर के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा कि हर कंपनी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाती है, और साथ साथ क्या बनाती है, बैलेंस शीट। इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। और तुम सभी के लिए अच्छी बात यह है कि जो भी ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प करने वाला है अकाउंट्स की पूरी थर्ड बुक में ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा। यानी मैं यहाँ पढ़ा दूंगा पहले तो तुम्हारी थ्योरी इधर हो गई, और न्यूमेरिकल तुम करते रहोगे, फिर कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि जो तुम्हारे अकाउंट्स की थर्ड बुक का नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आगे एनालिसिस। तो हम भी वही एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हम एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यहां पर एक एंटरप्रेन्योरशिप का मैनेजमेंट है, और वहां पर किसका, इन्वेस्टर का। यानी इन्वेस्टर अकाउंट्स पढ़ के इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी का मालिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, उस मैनेजमेंट को देखकर पब्लिक क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो एक चीज तो क्लियर है, ये क्या मैनेज कर रहा है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। और पब्लिक ऑब्वियसली क्या देखकर पैसा लगाती है, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट देखकर कंपनियों में पैसा लगाती है पब्लिक। मैं तुम्हें पहले भी इस बारे में जो मैं पूछ रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब देखते हैं कितनों को याद है। मैंने तुम्हें बताया था कंपनी की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की कंपनी होती है, एक तरफ तो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी तरफ होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी साल में कितनी बार ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी साल में कितनी बार ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाती है, एक बार ईयरली मतलब। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ये साल में 4 बार बनाती है अपने अकाउंट, Q1, Q2, Q3 and Q4, 4 क्वार्टर बनाती है हर 3-3 महीने बाद। लेकिन मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, ये क्यों, जब वो एक बार बना सकते हैं तो ये 4-4 बार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था इस बारे में कि जो कंपनी है, कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उस पर पैसा किसका लगा है, पब्लिक। अच्छा, ये पैसा ये कहाँ से लेकर आए थे, प्राइमरी मार्केट, पहली बात तो मनी मार्केट से है, कैपिटल मार्केट से,
पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पैसा कहाँ से आता है? कैपिटल मार्केट से। अच्छा, कैपिटल मार्केट में मनी मार्केट से या प्राइमरी मार्केट से या कैपिटल मार्केट से? प्राइमरी मार्केट से। इसका मतलब जब कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए गई थी तो सेबी ने उससे कहा था, तुम्हें याद हो कौन सा फंक्शन सेबी का? तीन फंक्शन पढ़कर आए थे, पहला रेगुलेटरी फंक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन, दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शन और तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन। पहला फंक्शन क्या था? रेगुलेटरी, जिसने कंपनी के लिए एक रूल बनाया हुआ है, जिस रूल के बारे में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था। वो रूल क्या है कि वो पब्लिक जिसने कंपनी में पैसे लगाए हैं उसको हर 3 महीने बाद रिपोर्टिंग करनी है, हर 3 महीने बाद रिपोर्टिंग करनी है। और ये रिपोर्टिंग ऐसे नहीं होगी कंपनी, ये हर क्वार्टर का ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाएगी और किसको देगी? सेबी को। और सेबी वो पब्लिक को इंफॉर्मेशन देगी कि हाँ भाई पिछले 3 महीने में कंपनी ने क्या कामकाज किया है। ऐसा क्यों? क्या मैं इसको पब्लिक को क्या बोलूंगा यहां पर? क्या मैं इसको शेयर होल्डर बोल सकता हूं? हाँ भाई, शेयर होल्डर बोल सकता हूं। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से इस शेयर होल्डर्स ने वॉट एवर द नंबर, मैं मान लेता हूं 1000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, इसने ये शेयर्स इस कंपनी के लिए हुए, पब्लिक ने लिए हुए, वॉट एवर द पब्लिक, सब पब्लिकों ने मिलाकर, यानी कि कितने के शेयर अलॉट किए गए हैं? 10,000 रुपीज 10,000। ये बताओ इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मालिक कौन? ऑब्वियसली ये जो भी हम इसको नाम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं इसको ए, मालिक कौन? हु इज द ऑनर? ए बोले तो शेयर होल्डर। कौन है मालिक? शेयर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है ये, कौन है मालिक? शेयर होल्डर। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम सब लोगों को पता है ना इस बारे में कि ये सुंदर पिचाई का नाम सुना है? कौन है ये? गूगल का सीईओ, सीईओ गूगल का मतलब क्या मालिक है क्या कंपनी का? नहीं, कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मालिक चलाते हैं या एम्प्लॉय चलाते हैं? ऑब्वियसली एम्प्लॉय चलाते हैं। ध्यान देना, हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, इंडिया का कल्चर वो है जहां पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कौन चलाते हैं, मतलब ये मालिक लोग, ये अपना इंडियन कल्चर की प्रॉब्लम है। लेकिन अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर में मालिक कभी कंपनी नहीं चलाते, क्योंकि वहां के मालिक का मतलब बहुत बिग शॉट्स हैं। हमारे यहां पर तो चलो अमीर बन रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी बहुत रिच लोग हैं जो कंपनी नहीं चलाते। किसको अपॉइंट करते हैं? सीईओ को। अगर सुंदर पिचाई अगर रिजल्ट नहीं दे पाए, यानी उसकी वजह से अगर गूगल परफॉर्मेंस खराब कर देगी, तो क्या सुंदर पिचाई को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा? अच्छा, कौन फेंकेगा? ये सीईओ हम पढ़कर आए, सीईओ कौन से लेवल का होता है? टॉप लेवल। अरे इसको भी कोई फेंक सकता है क्या बाहर? हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कौन फेंक सकता है इसको बाहर? शेयर होल्डर्स। अच्छा, हर कंपनी में शेयर होल्डर्स ही क्या होते हैं? डायरेक्टर। ये तो कंफर्म है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, डायरेक्टर होते हैं, और डायरेक्टर ही इसको उठा के बाहर फेंक सकते हैं। तो हमें एक बात समझ में आई कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमने पैसा तो लगा दिया, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। किसके कंट्रोल में है ये? सीईओ के कंट्रोल में है। तुमने सुना होगा पिछले 2-3 साल पहले की कहानी है, हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है टाटा, टाटा का जो मालिक था रतन टाटा, उसने रिटायरमेंट ले लिया था। उसने कहा मैं नहीं चलाऊंगा कंपनी आज के बाद। तो उसने कोई साइरस मिस्त्री करके कुछ था, उसको बुला लिया था कि तू आ जा। 3 साल उसने चलाया, 3 साल बाद उसे बाहर निकाल दिया कि तू नहीं चला पा रहा, निकल, हम खुद देख लेंगे अपने तरीके से। और अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते भर की, इसी महीने की खबर है, अली बाबा, सबने नाम सुना होगा अली बाबा कंपनी, जैक मा ने रिटायरमेंट ले लिया, और मफ्त रिटायरमेंट लिया, पूरा मतलब डिस्को डांसर वाला, मतलब पूरा गेटअप लेकर, हाथ में गिटार लेकर आया था मफ्त तरीके से, है ना। रिटायरमेंट का मतलब क्या? उसके शेयर्स खत्म हो गए। जब वो शेयर होल्डर भी था, और क्या था कंपनी का? सीईओ। अब वो जब रिटायर हो गया, तो अब सीईओ कौन बनेगा? कोई भी, जिसको भी उन्होंने बनाया होगा ना। इसका मतलब जो सीईओ है वो क्या माना जाता है? टॉप लेवल एम्प्लॉई, मैनेजमेंट का पार्ट है, एम्प्लॉई है। शेयर होल्डर भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो मैंने क्या बोला, कंपनी चला कौन रहा है? सीईओ। लेकिन
पैसा किसका लगा है? पब्लिक का. पब्लिक मतलब शेयर होल्डर. और हु इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी? पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी का रियल ओनर कौन है? शेयर होल्डर. और शेयर होल्डर चाहता है कि मुझे हर तीन तीन महीने बाद रिपोर्ट दो तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, कहीं तुम घबला तो नहीं कर रहे हो, मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं कर दोगे. तो सेबी ने इंस्ट्रक्शन दी कंपनी को, भाई प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है. क्या करनी है? प्रॉपर. अच्छा, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि पब्लिक लिमिटेड चलाना आसान काम नहीं है. सेबी बहुत स्ट्रिक्ट होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लेकर. तो ऐसे में क्या हुआ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसा कि तुम सभी को पता है, इसकी एक हायरार्की होती है. क्या होती है? एक हायरार्की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. तो हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया, लो तुम्हारे लिए, ये रहा सीईओ. और इसके अंडर में जो तुम पहले पढ़कर आए हो कि इसके अंडर में मैं मान लेता हूं चार, क्या है, डिपार्टमेंट. क्या है? चार डिपार्टमेंट. लाइक पहला परचेज डिपार्टमेंट, इसका हेड कौन होगा? डिपार्टमेंटल हेड, है ना. दूसरा परचेज के बाद हम ले रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये भी हेड है, डिपार्टमेंटल हेड. फिर हम ले आते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना, और एक ले आते हैं सेल्स डिपार्टमेंट. पहला पॉइंट तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से हु इज रिस्पॉन्सिबल चैप्टर नंबर वन के अकॉर्डिंगली. अबे रुक जाओ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंगली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. गंदी बात नहीं, यहां पर क्या बोलेंगे? सीईओ. मेन जिम्मेदारी किसकी है? सीईओ की. किस चीज की? सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ. लेकिन ये चैप्टर तो सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये चैप्टर बोल रहा है कि सीईओ को हर तीन महीने बाद रिपोर्ट देनी है. किसे? शेयर होल्डर्स को. तो उस शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देने का काम कौन करेगा? यानी कि उसके पैसे को कौन मैनेज करेगा? किसका पैसा? शेयर होल्डर्स का पैसा कौन मैनेज करेगा? एक मिनट, शेयर होल्डर का पैसा बोले तो फाइनेंस. मेरी बात ध्यान से सुनना, शेयर होल्डर का पैसा बोले तो फाइनेंस. उस पैसे से अगर मैं अपना घर खरीद लूं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस. क्या बोलेंगे? अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा लेते हैं, पर्सनल फाइनेंस. और वो जो कंपनी के यूज के लिए पैसा लेते हैं, उसे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस. क्या बोलते हैं उसको? बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, इसका मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास पड़ा है, उसको मैं क्या बोलूं, पर्सनल फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस? उस फाइनेंस का मैनेजमेंट कौन करेगा? वो आदमी जो इंडिया में, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंस के बारे में, यानी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बारे में ढंग से पढ़ाया जाता है. कौन है ये? चार्टर्ड अकाउंटेंट. कौन है ये? लेकिन सिर्फ सीए करने वाले को ये पोस्ट नहीं मिलती. सीए करने के बाद जब वो आईआईएम से एमबीए इन फाइनेंस करता है, तब जाके उसको ये पोस्ट मिलती है. किस चीज की? क्योंकि मैं वो अकाउंट बनाना तो सीख गया, लेकिन उसको मैनेज करना नहीं आता. एमबीए करने के बाद उसको मैनेजमेंट आता है. तो किसको दिया गया किस चीज की जिम्मेदारी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. किसको दी गई? फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को. अब ध्यान देना, एनसीईआरटी वैसे भी बेवकूफ किताब है एकदम. क्यों? पीछे पढ़कर आए, पहले चैप्टर में मैनेजर का मतलब मिडिल लेवल, लेकिन इस चैप्टर में क्या कहती है? हु इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कौन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा? ये कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजर. तो फाइनेंशियल मैनेजर नहीं करेंगे, कौन करेंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड का काम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना. सीईओ का यह काम नहीं है. सीईओ का काम क्या है? हा भाई, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ पर फोकस करना. और सी, याद, एक मिनट, एक एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना. और जो भी अपना सीईओ है, ये कंपनी को क्या देता है? ये देता है कंपनी को ऑब्जेक्टिव्स. क्या देता है? ये ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये ले लूं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव, सीईओ ने कह दिया कि 100 करोड़ हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए. क्या दे दिया कंपनी को? सभी इंप्लॉइज को क्या दे दिया गया है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इस साल का कितना? 100 करोड़. हाँ भाई,
100 करोड़ टारगेट तो फिक्स हो गया। तुम्हें याद होगा इस बारे में हमने पढ़ा था, जब भी कंपनी ऑब्जेक्टिव फिक्स करती है तो ऑब्वियसली टॉप लेवल ही करता है, लेकिन फिर सभी डिपार्टमेंट को इकट्ठा लेकर आता है, सबको कंबाइंडली बताता है कि देखो भाई तुम सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 करोड़। इसे क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि सब लोगों को एक ही चीज के बारे में सोचना है, क्या कि इस साल हर हालत में कितना आना चाहिए, 100 करोड़ आना चाहिए। यूनिटी ऑफ क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन। और इसकी वजह से और क्या आता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन कैसा होगा, एक ही जगह पे सब लोग फोकस कर रहे होंगे, किस पर, 100 करोड़ पे। अच्छा, ये 100 करोड़ आज का टारगेट है, फ्यूचरिस्टिक टारगेट है, फ्यूचर यानी जो भी हमारे पास टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमेशा किसके लिए होता है। अब इन चारों डिपार्टमेंट को बोल दिया गया, हमें नहीं पता, तुम जैसे चाहो वैसे करो, हमें ये टारगेट पूरे चाहिए। हाँ भाई, तो अब ये सारे के सारे डिपार्टमेंट इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लग जाएंगे। आओ देखते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हर डिपार्टमेंट से कहा कि भाई ऐसा है, सभी डिपार्टमेंट याद रखो, इस 100 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए, इस 100 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए किस डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस चाहिए, क्या चाहिए, और उस फाइनेंस का यूटिलाइजेशन बताए। हर डिपार्टमेंट इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या करे, अपने डिपार्टमेंट का पहले तो ये बताए कितना पैसा उसको चाहिए, और व्हाट इज यूटिलाइजेशन, एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब उस पैसे को वो कहां यूज करेगा। हाँ भाई, मकान खरीदने के लिए यूज करेगा या बिजनेस में, बिजनेस में। अच्छा, तो पहली बात तो ये पैसा जो है फाइनेंस, क्या पैसा दो तरह का होता है, पहला शॉर्ट टर्म फाइनेंस, दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या डेट से आता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या उधार से आता है, हाँ, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस ये डेट भी हो सकते हैं और इक्विटी भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, पैसा चाहिए और किस काम के लिए चाहिए, एलोकेशन। एलोकेशन या तो इससे कंपनी क्या खरीदेगी, फिक्स्ड एसेट्स, या फिर क्या खरीदेगी, करंट एसेट्स, या फिर क्या करेगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम पढ़कर आए थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तीन तरह के होते हैं, पहला फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यानी कि हर डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला, तुम अपने अपने यूटिलाइजेशन यानी एलोकेशन बताओ, तुम्हें कितना पैसा किस चीज के लिए चाहिए, यानी कि कितना पैसा, जब मैं बोल रहा हूं कितना पैसा चाहिए तो क्या आया, फाइनेंस का अमाउंट बताओ, किस टाइम पर चाहिए वो टाइम बताओ, और जो अमाउंट है वो तो ऑब्वियसली यहां से फिक्स होएगा कि वो पैसा आप कहां कहां यूटिलाइज करोगे ये भी बताओ। हाँ भाई, बात समझ में आई। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट से क्या बोला, तुझे क्या क्या चाहिए, मतलब कितनी फिक्स एसेट्स चाहिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए, कितनी करंट एसेट्स चाहिए, और कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने के लिए पैसा चाहिए, बजट बना के दे, और टोटल अमाउंट बता, कितना शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, कितना लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, और किस समय पर चाहिए, किस समय पर चाहिए। यह सेम चीज उसने किसको बोली, कौन से डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि भाई तुम भी बताओ क्या, पॉइंट नंबर वन फाइनेंस के बारे में दो बातें, पहला किस टाइम पर चाहिए, दूसरा अमाउंट बताओ, और तीसरा मैंने क्या बोला, उसका यूज बताओ। यूज भी बोल सकते हैं,
उसका यूज बताओ। यूज में क्या बताओगे, कितना फिक्स्ड एसेट्स में, कितना करंट एसेट्स में और कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये सेम स्टेटमेंट किससे मंगवाई, सेल्स डिपार्टमेंट से। क्या कितना क्या चाहिए, हाँ भाई फाइनेंस के बारे में कितना क्या चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, किस टाइम पर चाहिए और उसका यूज बताओ। यूज बोले तो कितना फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए, कितना करंट एसेट्स के लिए चाहिए और कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। मैं मान लेता हूं इन सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव दिए, अपने अपने फाइनेंस की फिगर्स बताए। हाँ भाई मुझे चाहिए 10 करोड़, इस डिपार्टमेंट ने बताया मुझे चाहिए 20 करोड़ और इसने बताया मुझे भी चाहिए 10 करोड़। अच्छा कितना करोड़ हो गया टोटल, एक काम करते हैं राउंड ऑफ करने के लिए इसे कर देता हूँ मैं 30 करोड़। अच्छा आप बताओ कितना अमाउंट चाहिए, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या मालूम चला, हाँ भाई कितने फंड की ज़रूरत है, कितने की, कितने की, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फंड, सोर्स ऑफ फाइनेंस या फिर बिजनेस फाइनेंस, कितना चाहिए 50 करोड़। अच्छा कंपनी का टारगेट कितना था, देखने जरा कितना के प्रॉफिट चाहिए था कंपनी को। इसका मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने गणित लगाया कि कॉस्ट पड़ रही है हमें कितने की, 50 की, नेट प्रॉफिट कितना चाहिए 100 करोड़, इसका मतलब सेल्स कितनी की होनी चाहिए 150 करोड़। अबे ये क्या हुआ, ये सारा का सारा एक कैलकुलेशन कौन तैयार कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। अच्छा इसने क्या किया, इसे क्या बोलेंगे, ध्यान देना, ये पूरा एक साल का सारा स्टेटमेंट बनाया किसने, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ब्लूप्रिंट, क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। व्हाट इज फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, कहां से आएगा और कहां पर, जब बात आएगी कहां से आएगा तो यह बात आएगी किस टाइम पर चाहिए और कितना चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए पैसा। क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। कौन बनाता है ये, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड या एनसीईआरटी के हिसाब से क्या हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजर बनाता है ये। क्यों, हाँ भाई क्यों बनाता है ये, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा हो जाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। अच्छा ये बताओ अगर ऐसा हुआ तो, यानी अगर कंपनी का 100 करोड़ का टारगेट पूरा हुआ तो इससे गूगल के सुंदर पिचाई को क्या फायदा, ऑब्वियसली उसको कंपनी से निकाला नहीं जाएगा। क्यों, क्यों, क्योंकि एक मिनट क्यों, क्योंकि अगर वो कंपनी को प्रॉफिट कमाकर दे रहा है, यानी किसको दे रहा है प्रॉफिट कमाकर, शेयर होल्डर्स को, मतलब क्या, इससे क्या होता है, इससे शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ती है। क्या बढ़ती है, शेयर होल्डर्स की, अगर वो ये प्रॉफिट अर्न करने में सक्सेसफुल नहीं रहा तो कंपनी उसको एक साल चेक करेगी, दूसरे साल चेक करेगी, तीसरे साल निकाल देगी। यानी कि कंपनी को ये सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करना है, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की इस वेल्थ को बढ़ाना है। क्या करना है, यानी कि हाँ भाई 1000 शेयर्स थे इसके एट द रेट रुपी 10 ईच, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 10,000। जैसे ही कंपनी ने ये प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट के कमाने की वजह से इस कंपनी के मार्केट के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, ध्यान सुनना मुझे, ये दिस इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्या, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ, या मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। मैं तुमसे पूछ रहा हूं दो तरीके बताओ इसको इंक्रीज करने के, 20,000 करने के,
तुम बोलोगे सर या तो प्राइस बढ़ा दो सर इसके, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दो और प्राइस कांस्टेंट रखो। तुमसे पूछ रहा हूं, हाँ भाई, विच वन इज राइट अप्रोच? पहली बात मैंने बताया था, शेयर्स बढ़ाना आपके हाथ में, किसके हाथ में? सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर सेबी ने परमिशन दी तो नए शेयर की देगा, तो नए शेयर अगर आएंगे तो मालिक और बढ़ेंगे, इससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई फायदा? तो कब फायदा मिलेगा? जब प्राइस बढ़ेंगे, यानी कि वो जो 1000 शेयर होल्डर्स थे उनका रेट हो गया 20 रुपए ईच शेयर। मुझे बस एक बार बताओ, 10 रुपए से 20 रुपए कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब कंपनी का क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी, हाँ भाई, क्या बांटेगी? डिविडेंड। क्या बांटेगी? मालिकों को डिविडेंड। हाँ भाई, मालिकों को क्या बांटेगी? डिविडेंड। ध्यान सुनना, हम कह रहे हैं 100 करोड़ का प्रॉफिट आया, मालिकों को बांट दिए गए 20 करोड़, कितने बचे हुए हैं अभी? तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में, इनकम मेथड में प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटकर पढ़कर आए हो। पहला कॉर्पोरेशन टैक्स, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नहीं बोलेंगे बदतमीज, दूसरा बोलते हैं क्या? डिविडेंड। उसके बाद जो बचता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उसको यहां पर हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड। अब मुझे एक बात बताओ तुम, हाँ भाई सुनो, डिविडेंड किसका? शेयर। अच्छा, ये रिटेन्ड अर्निंग किसकी? ये भी शेयर होल्डर्स की। अरे ये भी तो मालिकों का ही पैसा है, आज नहीं तो कल अगर शेयर होल्डर्स, कंपनी इस पैसे से कोई एसेट खरीदेगी तो वो एसेट किसकी हो जाएगी? यानी किसकी हो जाएगी? वो मालिकों की। मालिक मतलब कौन? शेयर होल्डर्स। ये इतनी जो अभी हमने मगजमारी की थी, मतलब क्या, ये इतना जो एक साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, किस लिए? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाने के लिए। मैंने तुम्हें क्या बताया? कुछ भी करे सुंदर पिचाई, शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट, अपनी वेल्थ क्या चाहिए? बड़ी हुई। कब मिलेगी? जब कंपनी के, अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उससे क्या होएगा? कंपनी के मार्केट प्राइस बढ़ेंगे, और कंपनी का जब प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा बांटेगी और नए नए बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट भी करेगी। भाई देखो, मेरी बात ध्यान सुनना, अल्टीमेटली कंपनी किसकी? किसकी? तो कुछ भी करे सुंदर पिचाई, उसको एक ही, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करना है? सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। कैसे? प्राइस को, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को बढ़ाकर। कैसे बढ़ाएगा? नेट प्रॉफिट्स को बढ़ाकर। उससे क्या होएगा? शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होएगी। मैंने तुम्हें अभी भी बताया, व्हाट इज दिस कॉल्ड? ये सब कुछ जो उसने किया, व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अब यहां से यहां तक जो भी मैंने किया है, ये सब क्या था? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। क्या था ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये ब्लूप्रिंट मैंने क्यों तैयार किया? यहां देखो, तुम्हें देखा होगा बार बार मैंने किस चीज को फोकस किया है। हाँ भाई, कितना पैसा चाहिए और किस समय पर चाहिए? फिर सुनो, कितना पैसा चाहिए, फिर कितना पैसा चाहिए और किस समय पर चाहिए? कितना पैसा चाहिए और किस? इसका मतलब ये ब्लूप्रिंट का एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक नहीं, कितने? दो। कितने ऑब्जेक्टिव? दो। पहला ऑब्जेक्टिव टाइम से पैसा मिलना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव टाइम से पैसा मिलना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव, अबे रुको एक मिनट बदतमीज,
कंपनी ने बोला हमें चाहिए 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए, और हुआ क्या, जब फाइनेंशियल मैनेजर अरेंजमेंट करने के लिए गया फाइनेंस का, तो फाइनेंस देने वाले ने बोला कि देखो सर ऐसा है, मैं आपको 100 करोड़ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेंगे 10%। मैंने इससे बोला कि ऐसा है, पार्थ भी मेरा दोस्त है, पार्थ भाई बताओ कितने, पार्थ ने बोला क्या सर 8% पे ले जाओ। हाँ भाई ये बताओ तुम मुझे, अमाउंट तो मुझे मिल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड तो है 8% और 10% में, तुम्हारे हिसाब से एक समझदार फाइनेंशियल मैनेजर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेगा पैसा? इसे कहते हैं क्या, कॉस्ट, क्या कॉस्ट क्या करनी है, कम। यानी एक फाइनेंशियल मैनेजर जब भी पैसा लेगा तो कम कॉस्ट पे लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कम कॉस्ट पे लिया तो कितने परसेंट का कॉस्ट बचाया, ये 2% का कॉस्ट किसका प्रॉफिट बन जाएगा, शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स बहुत खुश होंगे और सुंदर पिचाई की नौकरी बनी रहेगी। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, जो अमाउंट चाहिए क्या ध्यान देना है कि वो कॉस्टली ना मिले, उसकी कॉस्ट कम से कम हो। लेकिन हुआ क्या, इस भाई ने कह तो दिया सर चिंता मत करो, सर क्या बात कर दी सर 8% पे दे देंगे आपको, लेकिन जब टाइम आया पेमेंट करने का तो ये गोली दे गया, सर आज निकल, मेरी बात ध्यान सुनना, इसने क्या कर दी, गोली दे दी। इसने बोला सर इस महीने आपको, जबकि हम यहां क्या पढ़ रहे थे, टाइमली चाहिए पैसा, क्या चाहिए, टाइम से चाहिए पैसा। इसने जैसे टाइम से पैसा नहीं दिया, ध्यान सुनो क्या हुआ, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात, अभी समझते हैं। एक बार मैं इससे पैसा मांगने के लिए गया 100 करोड़, इसने बोला सर सुनो ऐसा है 100 करोड़ तो मैं दूंगा नहीं, 200 करोड़ मेरे पास से चाहिए तो बताओ। मैंने कहा मुझे तो 100 करोड़ की जरूरत है। सर आप डिसाइड कर लो, मैं आपको 200 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं दूंगा। अब मरता क्या ना करता, अब तो मेरे पास पार्थ का भी ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इससे 200 करोड़ ले लिए। जरा बताना इससे 200 करोड़ लेने का मतलब मैंने कितने रुपए एक्सेस ले लिए, 100 CR मैंने क्या ले लिया एक्सेस, ठीक है। अच्छा अभी मैंने जैसे बोला कि मैं पहुंचा एंड मूवमेंट में, चला कि नहीं सर कोई प्रॉब्लम हो गई है सर, कितना पैसा आया, यानी कि क्या हो गया, ये फंड अवेलेबल, यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तुम मुझे बताओ इनमें से क्या चीज सही नहीं है, 3 ऑप्शन दे दिए, जितना चाहिए था उतना ही मिला, जितना चाहिए था ज्यादा मिला, जितना चाहिए था कम मिला, वैसे बहस तो यही रहेगा, कोई अभी हम बात कर चुके हैं कि क्या जितना चाहिए अवेलेबल है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेकर आओ, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेकर आ गए तो आपको इस ज्यादा पर क्या देना पड़ेगा, बोले तो क्या है ये भी एक तरह की कॉस्ट, कंपनी क्या हो जाएगी तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और पिचाई की क्या हो जाएगी, कंपनी से नौकरी चली जाएगी, ठीक। दूसरी तरफ मालूम चला जिस समय हमें पैसा चाहिए था डिपार्टमेंट ने बोला हुआ था इस डेट को मुझे पैसा दे देना, उस डेट को पैसा ही नहीं मिला, जिसकी वजह से हम रॉ मटेरियल टाइम पर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन टाइम पर, जिसकी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स, और जो हमारा टारगेट था वो अचीव हाँ भाई, क्या ये अच्छी बात है, क्या ये अच्छी बात है, यानी कि एक्सेस फंड आया तो भी प्रॉब्लम और कम फंड आया तो भी प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान सुनना, यहां पर एक जगह मिलेगा हमें शॉक, एक जगह मिलेगा सरप्राइज। क्या मिलेगा, एक जगह शॉक और दूसरी जगह मिलेगी सरप्राइज। बताओ कहां मिला शॉक और कहां मिला सरप्राइज, इसे कहते हैं क्या, शॉक लगना, शौक लगा लगा लगा, और ये क्या है सरप्राइज, किस बात का, अरे सोचिए तो 200 मिल गए। हाँ भाई एक तरफ क्या लगा, शौक लगा, और दूसरी तरफ क्या मिला सरप्राइज। अच्छा शौक अच्छा है या सरप्राइज, नहीं दोनों अच्छे नहीं है नहीं शौक लगाना है ना ही सरप्राइज चाहिए, क्यों, क्योंकि सरप्राइज के चक्कर में क्या होएगा, कॉस्ट प्रॉफिट और वो कंपनी से बाहर हो जाएगा।
तो ऐसे में अगर मान के चलो अब एक्स्ट्रा पैसा आ ही गया है तो पिचाई खुद को बचाने के लिए क्या करेगा, और नए इन्वेस्टमेंट यानी कि इस एक्सिस फंड का बेटर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? बेटर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेगा। अब ये क्लियर है? तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है, क्या है? तो आओ उन पॉइंट्स पर चलते हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहले अब तुम्हें जो चार्ट दिया गया है उस चार्ट पर आ जाओ, और इस चार्ट का सबसे पहले ये वाला पेज, ये वाला पहला फर्स्ट पेज खोलो, बिजनेस फाइनेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे पता है तुम सब लोग विद्वान हो अकाउंट्स में। अभी बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? वो पैसा, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? वो पैसा जो कंपनी के काम आएगा, कहां पर? ट्रेडिंग या पी एंड एल। हाँ भाई, ट्रेडिंग पी एंड एल में। क्या यहां नेट सेल्स आती है? हाँ भाई, क्या यहां नेट सेल्स आती है? क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। अच्छा, जो बचता है वो। अच्छा ठीक है, आगे क्या यहां पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं? क्या यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है? जो बचता है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं, बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस फैक्ट्री को, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, सेलिंग को, तीनों को मिला के क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं? मैंने अभी यहां पर नॉन ऑपरेटिंग की बात नहीं की, क्योंकि चैप्टर्स की, अब मैं चैप्टर के ज्ञान बांट दिया, अब मैं चैप्टर के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं, है ना। हाँ भाई, बैलेंस शीट में क्या यहां पर नॉन करेंट एसेट्स आती है? क्या इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स होता है? क्या यहां पर करंट एसेट्स आती है? करंट एसेट्स का ब्रेकअप, हाँ भाई, करंट एसेट्स का ब्रेकअप, एनसीईआरटी ने ये टर्म यूज किया है, ब्रेकअप ऑफ करंट एसेट्स। इसका मतलब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? तो अकाउंट्स की नॉलेज अगर तुम्हारे पास है तो जो कंपनी के पास कैश होता है वो भी क्या है? अच्छा, इस कैश से हम क्या खरीदते हैं? स्टॉक, ये भी क्या है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होते हैं बीआर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होते हैं ये? करंट एसेट्स। अच्छा, डेटर्स, डेटर्स अबे अकाउंट्स, करंट एसेट्स, है ना। दूसरा बात है मालिकों का पैसा, ओनर्स फंड, क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी। अच्छा, आउटसाइडर्स का पैसा, क्या बोलते हैं इसको? या तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है या फिर लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? नॉन करेंट। शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? बोथ आर डेट, बोथ आर। मेरी बात ध्यान से, हम बाउंड्री पार नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाँ भाई, इसके नीचे क्या दिया हुआ है? सोर्स ऑफ, या तो क्या होते हैं वो? डेट या तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। ये क्लियर है बोलने का तरीका? क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी बात करूंगा सोर्स ऑफ फंड की तो क्या बोलूंगा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डेट और इक्विटी। जब भी बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहां लगेगा, दो ही पॉइंट बोलने हैं। क्या? करंट एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स में, मतलब फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में। अच्छा, ऊपर पैसा कहां लग रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और पी एंड एल से क्या निकाला तुमने? नेट प्रॉफिट निकालने की तुमने पूरी पूरी कोशिश की। जैसा कि तुम यहां देख रहे हो, यहां पर लिखा है हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस दो तरह के होते हैं, इक्विटी और। अच्छा, इक्विटी पर का क्या हमें डिविडेंड देना पड़ता है? अच्छा, इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है क्या? डेट के ऊपर देना पड़ता है, ये भी हम पहले पढ़कर आए हैं लास्ट क्लास में। हाँ, डिविडेंड को टेक्निकली बिजनेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ फंड। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब भी कोई मालिक कंपनी को पैसा देता है या कोई आउटसाइडर कंपनी को पैसा देता है, तो यानी कि हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेरी बात ध्यान सुनो, आगे मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट आगे देखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या यह है कि बैलेंस, वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल के खर्चे कहां से मैनेज करने, पहले से प्री डिफाइंड कर लो, यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर लो। अच्छा, बैलेंस शीट का भी ब्लूप्रिंट पहले से तैयार करवा देते हैं ये। इसके बेसिस पर क्या डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा कहां से आएगा, इक्विटी से या फिर
जब भी हम बात करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो सिर्फ दो चीज़ों पर ध्यान देना है, पहला उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पर और दूसरा उसके रिस्क पर। यानी कि तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मालूम चली कि फाइनेंशियल मैनेजर जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मालिक यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना, क्या करके प्रॉफिट को, उससे क्या होएगा मार्केट प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसे क्या ध्यान देना है पैसा लेते टाइम किसी से, कि कॉस्ट क्या है और रिस्क क्या है। कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, कम से कम, और रिस्क भी कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। एंड दिस इज वॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस या फाइनेंस मैनेजमेंट। क्या है ये? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। व्हाट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ? इसको हम शेयर होल्डर्स फंड के नाम से भी जानते हैं। तुम लोगों ने जब पार्टनरशिप के अंदर गुडविल निकाली होगी तो ये तुम्हारे बहुत काम आई होगी अकाउंटिंग टर्म में। बिजनेस स्टडी की टर्म में हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट प्राइस क्या करना है, कैसे बढ़ाना है, नेट प्रॉफिट को बढ़ाकर, और नेट प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करके, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ाना है। हाँ भाई, तो ये तुम क्या पढ़ रहे थे, ये था हमारा टॉपिक नंबर वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। हाँ भाई देखो, ये पूरी कहानियां तो तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूं, दीज आर दी कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे और क्लियर होएगा। फिलहाल हमें क्या क्या मिला जो इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला था, देखो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से ऊपर तो ज्ञान था, यहां से आ रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, शेयर होल्डर वेल्थ का कैसे, मार्केट प्राइस को कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ा के कैसे बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बढ़ाकर। अच्छा, ये सब करने के लिए क्या चाहिए, सोर्स ऑफ, जब लेकर आओगे तो दो बातों का ध्यान देना है, पहला क्या कॉस्ट और दूसरा क्या, इन दोनों के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि पैसा कहां से लेकर आओगे। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आगे मेरा दूसरा टॉपिक है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है समझते हैं। पहली बात तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ क्या, अंडरलाइन करो, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। कब के लिए? फॉर फ्यूचर। एक फ्यूचर का क्या है, ये ब्लूप्रिंट है। मतलब क्या, फ्यूचर में हम कहां और कैसे पहुंचेंगे, दिस इज द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट फॉर। हाँ भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर। अच्छा ये बताओ, इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग यानी इतना ब्लूप्रिंट क्यों बनाया था? बिकॉज ऑफ ट्विन ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव? अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था कौन सा, शेयर होल्डर्स वेल्थ को, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का ट्विन ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव। पहला, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब प्रॉपर एस्टिमेशन रिक्वायर्ड। लिसन, प्रॉपर एस्टिमेशन रिक्वायर्ड। कौन कर रहा था ये एस्टिमेशन? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। लेकिन ये एस्टिमेशन वो किससे मांग रहा था, बाकी डिपार्टमेंट से, किस बारे में, कितना चाहिए भाई तुझे फिक्स्ड एसेट्स, कितना चाहिए तुझे करंट एसेट्स, और कितना चाहिए तुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, डे टू डे खर्चे करने के लिए पैसे। और कब चाहिए, कब बोले तो टाइम, व्हेन रिक्वायर्ड, एंड स्पेसिफाई पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। पहले ही बता दो, स्पेसिफाई कर दो ये पैसा कहां से आएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म ये दिया ना, पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो यहां लिख दो क्या, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, डेट या इक्विटी, वो पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए। दिस इज अ फाइनेंशियल ब्लू प्रिंट, जस्ट लाइक अ बजट इन इकोनॉमिक्स। बजट भी क्या था, फ्यूचरिस्टिक। ये भी क्या है, फ्यूचरिस्टिक।
दिस इज द एस्टिमेशन, वो भी क्या था एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्या क्या पॉइंट आए, पहला तो टाइम पर, कहां खर्चा करना है वो बताओ, किस टाइम पर करना है ये बताओ, और शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म ये बताओ। लेकिन तुम्हारा ये पूरा कंक्लूजन तो एक ही पॉइंट पर आ रहा है। पहला पॉइंट तुम्हारी हेडिंग क्या बन रही है, एंश्योर अवेलेबिलिटी, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। क्या, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। और दूसरा मैंने क्या बताया था, अमाउंट में ना वो तो इसी में आ गया सारा। दो मैंने क्या बताया था, एक तो टाइम और दूसरा अमाउंट। ये क्या लिखा हुआ है, ये टाइम के बारे में है, मेन किसके बारे में, दूसरा डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली, मतलब क्या, सरप्लस मनी नहीं होना चाहिए। अगर सरप्लस मनी है उसे बोलते हैं आइडल मनी। आइडल का मतलब जो किसी काम नहीं आ रही, तो नॉट लेफ्ट आइडल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो आइडल नहीं होना चाहिए, एंड डोंट अननेसेसरली एड टू दी कॉस्ट। क्योंकि अगर आपने 100 करोड़ एक्स्ट्रा ले लिया तो उस पर क्या लगेगी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या कर देगी, प्रॉफिट क्या कर देगी, और पिचाई को क्या कर देगी, बाहर। तो हमने दो पॉइंट पढ़े, दिस इज द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, दूसरा एक्सीड ना हो जाए, ना ही सरप्लस हो और ना ही डेफिसिट। क्या होना चाहिए तो इसको यहां पर लिख लो टाइम, और यहां पर लिख लो नो एक्सेस, एक्सेस फंड नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज, हाँ वो उसने बोल तो दिया, ये देखो ना ये क्या गया, नहीं अमाउंट वाले में मैंने बोला एक्सेस अमाउंट ना आए, वो अलग पॉइंट हो गया। एक बार फिर सुनो, यहां पर क्या आया, टाइम, मेन टाइम था, मतलब कितना पैसा चाहिए और किस टाइम पर चाहिए, और ध्यान देना है कि वो ज्यादा ना आ जाए। अभी क्या बोल रहे, कितना चाहिए, सुनो फिर सुनो, कितना चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, कब चाहिए और कहां से चाहिए, और दूसरा क्या बोल रहा है, कहीं एक्सेस ना हो जाए या फिर शॉर्टेज। एक्सेस भी उतना ही बुरा है जितनी शॉर्टेज है, एक्सेस भी उतना ही बुरा है जितनी। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ये फाइनेंशियल प्लानिंग अभी खत्म नहीं हुई है। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, नहीं वैसे खत्म हो चुका है पूरा, एक लाइन ही खत्म कर रहा हूं मैं। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, हाँ भाई, इट बिगिंस, फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद सेल्स फॉरकास्टिंग। मुझे एक बार बताओ, अगर पिचाई अंकल कहते ही नहीं कि 100 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए साल के एंड में, तो प्लानिंग किस बात की भाई। हम लोगों ने बिजनेस स्टडी की पहली बुक में एक चीज पढ़ी थी, और तुम्हें याद हो तो मैंने सबसे पहले क्या बताया तुम्हें, प्लानिंग, अबे बदतमीज, प्लानिंग प्रोसेस। और वो क्या बोलती थी, पहले क्या बनाओ, ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं होंगे तो प्लानिंग किस बात की। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं तब होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। और तो यहां पर भी ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद सेल्स फोरकास्टिंग। ये जो सेल्स फोरकास्टिंग है वो किसके लिए हो रही है, फ्यूचरिस्टिक। क्या बोल रहे हैं, लिख दो यहां पर, फ्यूचरिस्टिक है ये, फ्यूचर के लिए सेल्स फोरकास्टिंग की जा रही है। एंड व्हाट इज दिस फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, ये रहा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, लिख लो इसको ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने कहा था 100 करोड़, वो क्या है मेरा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोले तो क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव कैसा है, फ्यूचरिस्टिक। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है, पता करती है फंड रिक्वायरमेंट, कितनी फिक्स एसेट्स की, कितनी वर्किंग कैपिटल की, और कहां से आएगा, कहां से आएगा, हाँ भाई, एक्सटर्नल सोर्स से, या जो दिया ना रिटेन्ड अर्निंग, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। ये सब पढ़ेंगे अभी आगे के, इंटरनल सोर्स, कंपनी के पास पड़ा हुआ है मालिकों का पैसा, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स, यानी बाहर से लेकर आओ, या तो इक्विटी से या फिर, हाँ भाई क्लियर है, कितने पॉइंट पढ़े तुमने, दो। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो हम यहीं पर ही लेकर आएंगे। अब तुम्हारे पास बुक है, जरा अपने फटाफट एक एक पॉइंट बुक से कर ले। सबसे पहला पेज खोल लो भैया बुक के अंदर, इस चैप्टर का पहला पेज,
हाँ भाई पहले पेज आ गया। पहले पेज आ गया भाई। देखो भाई ये एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंस। क्या है ये? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल ना प्लानिंग नहीं, मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फायदा। भाई भाई एक मिनट, सब आगे देखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फायदा सर, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रॉपर होगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से फोकस किया जा रहा है उसके ऊपर, है ना। क्या मतलब? एक मिनट यहाँ देख, यहाँ देखने की हो रही है। ये क्या है? ट्रेडिंग एंड P&L। ये क्या है? बैलेंस शीट। अच्छा यहाँ पर क्या आती है? यहाँ पर क्या आती है? अच्छा यहाँ पर क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइन, नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं वो, इक्विटी या फिर डेट। अच्छा डेट के अंदर लॉन्ग टर्म डेट या फिर शॉर्ट टर्म डेट, और ऊपर क्या आता है? नेट प्रॉफिट। यही होता है ना। हाँ भाई ये लो भाई तुम्हारे लिए। अगर ये और ये आता है ये क्वेश्चन, एक तो मैंने तीन, मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज का, इन तीनों में से कोई ना क्वेश्चन पक्का, एक तो पक्का बनना ही बनना होता है। ये उनके लिए होता है जो गधे बच्चे होते हैं ना, कि मतलब कुछ नहीं तो तीन चार नंबर तो ऐसे ही खींच ले बिना उसके टेंशन के। ये अलग बात है कि तब भी नहीं आते हैं। हाँ भाई इंपॉर्टेंस यहाँ देख के बात करते हैं। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर होएगा तो फिक्स एसेट्स का प्रॉपर मैनेजमेंट होएगा, यानी फिक्स एसेट्स समय के साथ क्या होंगी? बढ़ेंगी। अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होएगा तो करेंट एसेट्स का ही प्रॉपर मैनेजमेंट होएगा। मतलब इसका ब्रेकअप क्या था? क्या था इसका? कैश, स्टॉक, BR, डेटर्स, सब कुछ। इसका भी मैनेजमेंट क्या होएगा? प्रॉपर। ये भी क्या होंगे? इंक्रीज। अच्छा इधर आया, कितना शॉर्ट टर्म और कितना लॉन्ग टर्म ये फिक्स हो पाएगा, क्योंकि एस्टीमेट लगाया था ना प्लानिंग के अंदर। और ये भी मालूम चल पाएगा कितना डेट और कितना। फिर सुनो पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने? फिक्स एसेट्स प्रॉपर मैनेज होंगी। दूसरा क्या बोला मैंने? करेंट एसेट्स। तीसरा क्या बोला मैंने? लॉन्ग टर्म कितना और शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना। फोर्थ क्या बोला मैंने? कितनी डेट और कितनी इक्विटी। और फिफ्थ बोला मैंने P&L को प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। कितने पॉइंट बने? आ जाओ देख लेते हैं। पहला पॉइंट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। हाँ भाई कितने हैं, कितने कितने हैं ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हर चीज़ क्या है? फाइनेंशियली प्रॉपर मैनेज की जा रही है। दूसरा, ब्रेकअप ऑफ करेंट एसेट्स, कितना कैश है, कितनी इन्वेंट्री है, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से क्या होगा? मैनेज्ड। तीसरा, पीरियड ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है हमने और कितना लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। फिर कितना डेट लिया हुआ है और कितना इक्विटी ली हुई है। इसके अलावा लास्ट, कितना P&L, यानी आइटम्स कौन कौन से हैं P&L में, ये लिखा हुआ है इसको हटा दो, इसके नीचे लिख दो क्या? ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मेरी बात ध्यान सुन लो, जो इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन है वो बुक में लिखवाया है, क्यों? ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंस तो है लेकिन ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए मतलब तुम्हारे लिए। पहला तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और एक सिंपल सा हो गया, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, क्लियर है सब? ओके, थैंक यू।